जा रहे हैं हम घूमने के लिए आज कोटा में जा रहे हैं उसके 7 वंडर पार्क में। और उधर पहली स्पॉट था वो भी है, उधर कुछ कुछ देख रहे हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक नए ब्लॉक में, और आज आए हैं हम कोटा घूमने के लिए 7 वंडर पार्क में। टिकट की लाइन में लगे हुए हैं अभी टिकट लेने के लिए। जैसे के लिए 10 रुपये, बच्चे 5 रुपये और स्कूल ग्रुप 5। तब आ गए हम 7 वंडर पार्क में। अरे यार क्या बढ़िया नज़ारा है इधर तो। इसको रख लेते हैं टिकट को। देखिए क्या है ये, क्या बना हुआ है भाई, इसका तो नाम ही नहीं पता। कितना शानदार दृश्य हो रखा है, जबरदस्त है यार कोटा में ये चीज तो। और ये आंसू को बड़ा मजा आ रहा है घूमने के लिए इधर 7 वंडर पार्क में। पहली बार देखा है इधर, वैसे रियल में देखा नहीं है। इटली का है, इटली का के लिए पता नहीं है अभी नाम, यार याद किया था गूगल से लेकिन भूल गया वापस। नाम ही ऐसा है इसका, याद नहीं होता, लेकिन बहुत ही बढ़िया नज़ारा है आज। और ये है पिरामिड, मिस्र का पिरामिड। ये देखिए कितना प्यारा बना रखा है, सेम उसकी कॉपी है। और लोग यहाँ पे इटली से आए हैं शायद देखने के लिए, इटली मिस्र विदेशी लोग आते हैं इधर देखने के लिए। वो भी देखेगा इतनी कलक किसमें। और अब आ गए और आगे पिरामिड की नहीं चाहिए, अभी फोटो लेके नहीं चलेंगे बाद में उसकी तो। और ये देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है इधर, देखिए ये पानी चल रहा है इधर इसमें। और इसके पीछे है ताजमहल, पूरा ताजमहल, बहुत ही बढ़िया सीन लग रहा है इधर से, ज़बरदस्त सीन है। आसमौत हो रही है अनुभव यार, कितना प्यारा सीन है। देखो देखिए तो सही कितना प्यारा लग रहा है। और आज तो मौसम एकदम, मौसम भी बहुत ही मस्त हो रहा है यार। आज सही टाइम पर आए हैं घूमने के लिए वैसे। और ये उसमें जल महल बना हुआ है, गोरा जल महल, उसको भी जाएंगे अभी देखने के लिए। और आगे चलते हैं। और ये हावड़ा ब्रिज देख सकते हैं, हावड़ा ब्रिज को कितना तगड़ा बना हुआ है। ताजमहल में घुसेंगे अभी इधर, ये रहा ताजमहल, ताजमहल ये लिखा हुआ है इधर ताजमहल के बारे में। अभी देखा ताजमहल के बारे में लिखा हुआ है, ताजमहल भारत के आगरा शहर में सफ़ेद संगमरमर से बनी है सुंदर इमारत है। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज महल की याद में 1632 में प्रारंभ किया था। मुख्य इमारत 1648 में पूर्ण हो गई थी। इसके आसपास की इमारतें तथा बगीचा 5 साल बाद पूर्ण हुई, जिसकी ऊंचाई लगभग 35 मीटर है। यह ताजमहल की प्रतिकृति है, जिसकी ऊंचाई लगभग 7.50 मीटर। यह ताजमहल की कॉपी है, कॉपी इतना उसी का जैसा स्टैचू बना रखा है इसका, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। यह है हावड़ा ब्रिज, ये देखिए इतना प्यारा लग रहा है। आंसू देखते रह गए, पहली बार देखा हावड़ा ब्रिज। यहाँ पे तो काफ़ी सारे देशों की बढ़िया बढ़िया जो चीज़ें हैं वो दिखने को मिलेंगी। और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है ताजमहल के बारे में। यूएसए की स्टैचू ऑफ लिबर्टी, क्या है ये नाम पता नहीं, रियल यही है शायद, ये बनी हुई है, कितनी प्यारी लग रही है। लोग वहाँ फोटो खींच रहे हैं यहाँ से, पता भी नहीं कहाँ का है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी मैंने, नाम पढ़ के बता रहा हूँ अभी, 1 सेकेंड रुको। ये पीसा की झुकी मीनार, इंग्लिश में पढ़ता हूँ, हिंदी में नहीं। लेनिंग टावर ऑफ पीसा, लेनिंग टावर ऑफ पीसा है, द लेनिंग टावर ऑफ पीसा इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल, आगे नहीं पढ़ा लोग पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। काफ़ी अच्छा बना है, और ये तिरछा तिरछा सा है, इसकी डिज़ाइन थोड़ी हल्की तिरछी तिरछी सी है देखने में, वीडियो में नहीं लग रहा होगा लेकिन थोड़ा सा तिरछा तिरछा दिख रहा है, दृश्य बहुत ही जबरदस्त। हेलो मित्रों, आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा हुआ है मेरे को लगा है, आज का
घूमने के लिए बहुत अच्छे बने बना रखे हैं। और ये अभी देखा है वीजा का लेनिंग टावर और ये एफिल टावर है फिलिप का, ये भी आगे आगे फ्रांस का है। वैसे ये यहाँ पे कोटा बना रखा है, बहुत ही अच्छा बना रखा है, उसी की सेम कॉपी है। अब इसको देखेंगे आगे दिखाएंगे। अब तो हमारा फोन आज चार्ज कम है इसमें, इसलिए थोड़ी वीडियो हो गया है, नहीं तो और वीडियो बनाते हैं और इससे काम। आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर से आएंगे एक नए ब्लॉग में। तो टाटा बाय बाय, लाइक एंड शेयर कमेंट ज़रूर कर दें।